गाइस वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। टाइम हो रहा है सुबह के 8:25। तो आज मैं आया हूँ खेत पे आया हूँ। तो यार आज मैं थोड़ा मेरी ड्यूटी लगी है चवले की फली तोड़ने के लिए। तो देख लो मैंने इतनी सारी चवले की फली तोड़ दी है, ये देखो। और अभी और भी तोड़ना बाकी है, तो तोड़ते चवले की फली और ब्लॉक ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं कि अभी और कितनी मेहनत लगने वाली है और अभी कितनी और धूप पड़ने वाली है। तो फिलहाल तोड़ चवले की फली और देख लो पीछे मक्खी भी है, इसके अंदर चवले की फली है। तो क्या बहुत देख देख कर तोड़नी पड़ती है। तो चवले की फली तोड़ते हैं और ब्लॉक को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। और आज ब्लॉक में मतलब खेती से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलने वाली है, तो ब्लॉक कंटिन्यू बने रहना और खेती से बाड़ी की जानकारी आप जरूर इस ब्लॉक पर आपको मिलेगी। तोड़ते ये दो काचरे भी मिल चुके हैं, ये देख लो दोनों जोड़ी में है काचरे। तो मुझे काचरे भी मिल चुके हैं, तो अभी इनको भी तोड़ते हैं और इनको भी चखेंगे कि कैसे हैं, मीठे हैं या कड़वे हैं। तो तोड़ते हैं और काचरे को चखते हैं। गाइस मैंने दोनों काचरे तोड़ दिए हैं, अपनी देसी भाषा में इनको डोचरे बोलते हैं। तो मैं चखता हूँ कैसे हैं, मीठे या कड़वे हैं, क्यों कभी कभार अपने आप भी बेल लग जाती है और कभी लगे हुई बेल भी रहती है। तो क्या पता अपने आप लगी है या मम्मी ने लगाई है। तो चख लेते हैं कैसे हैं, मीठे या कड़वे हैं। तो गाइस काचरे मीठे हैं, कड़वे नहीं है, मैंने खा के देख लिया है, बिल्कुल मीठे काचरे हैं। चलते हैं ऐसी ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं और फली तोड़ेंगे, पता नहीं क्या काचरे मिलेंगे, ककड़ी मिले, क्या क्या मिलती है। तो ब्लॉग पे आपको मैं ऐसे ही बताता रहूँगा। तो गाइस मैंने सब फलियाँ तोड़ दी है और पीछे देख लो मम्मी मक्के तोड़ रहे हैं, ये कट्टा भर लिया है, पीछे मक्के तोड़ रहे हैं और मैं तोड़ रहा हूँ फली। तो फिलहाल मेरी फली टूट चुकी है और अभी मैं भी मक्के तोड़ने वाला हूँ, पीछे देख लो, क्योंकि आज मतलब मजदूर आने हैं, काटने वाले मजदूर आने वाले हैं। तो पहले हम मक्के तोड़ लेते हैं, उसके बाद मजदूर से कटाई करवाएंगे। तो मैं फ़िलहाल देखो मेरी बाल्टी पूरी भर चुकी है, बाल्टी मेरी पूरी भर गई और मैंने फली तोड़ दी है। अभी मैं भी ट्राई करता हूँ, ट्राई तो क्या है कि मुझे भी तोड़ना ही है। मम्मी ने बोला था कि मतलब फली के साथ मक्के भी तोड़ने हैं, तो मैंने ढंग से सुना नहीं था, तो मैंने तोड़े नहीं, फली भी तोड़ दी है। अभी मैं चलता हूँ, बाल्टी को कट्टे में खाली करता हूँ, उसके बाद बाल्टी के अंदर ही मक्के तोड़ूंगा। तो मैं रिटर्न वापस जाना पड़ेगा, तो आप ब्लॉग पे ऐसे ही कंटिन्यू बने रहना। और ये है पीछे अपने यहाँ पे छोटा ही खेत है मतलब फार्म के पास में, तभी यहाँ पे क्या मक्के हटा के यहाँ पे रस्का लगवाना है, इसलिए जल्दी जल्दी खाली करना पड़ रहा है। और वहाँ पर देख लो आधी कटिंग तो मम्मी ने कर ली। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ बाल्टी को चवले की फली की जो बाल्टी में तोड़ी थी उसको खाली करने जा रहा हूँ। और ये चारा जो आपको दिख रहा है ये मम्मी ने ही काटा था। और अभी मैं बाल्टी खाली कर लेता हूँ और रिटर्न वापस घूमना पड़ेगा, क्यों मक्के मैंने साथ में तोड़े ही नहीं, मम्मी ने बोला साथ में तोड़ना, तो मैंने साथ में तोड़े ही नहीं। तो अभी चलो कट्टे में खाली कर देता हूँ, ये देखो अपना वाइट वाला कट्टा है, तो इसके अंदर मैंने ये बाल्टी डाल दी और ये होगी खाली खाली आपको जैसे दिख रहा है। ये लो ये मैंने बाल्टी खाली कर ली, तो चवली की फली गई अंदर। गाइस फाइनली मक्कों की तुड़ाई हो गई है, मैंने कंप्लीट से मक्के तोड़ दिए, ये देख लो इतने बड़े बड़े ढेर लगा दिए और अभी देखो पसीना पसीना भी हो गया है। तो अभी मैं निकलता हूँ घर के लिए, अभी क्या इनको ले जाना ही पड़ेगा, तो बाइक लेके आऊँगा। तो अभी तो नहीं लेके जाएंगे, इनको शाम के टाइम डालेंगे, अभी धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, तो शाम के टाइम में आएँगे। तो चलते हैं यहाँ से रवानी करते हैं और चलते हैं घर पर। गाइस फाइनली मैं घर पर पहुँच चुका हूँ, खेत से घर पे आ गया था। तो अभी थोड़ा नहा लेते हैं, धो लेते हैं और खाना ना खा लेते हैं। तो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नई वीडियो के साथ में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपको देता रहूँगा, गाँव से जुड़े वीडियो आपको देता रहूँगा। और आज तक ब्लॉग यही खत्म करता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नई वीडियो के साथ में, एक नए क्रिएटिविटी के साथ में। जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।